जम्मू कश्मीर में उसकी सहयोगी पार्टी डर के मारे पहले से कई कह रही थी कि कांग्रेस की वजह से उसे नुकसान हो रहा है और आज के नतीजों में भी वही दिखा है। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के नतीजों ने भी हमने यही देखा था। लोकसभा में कांग्रेस जितनी सीटें जीती उनमें आधी से ज्यादा सीटें वो अपने सहयोगों की वजह से जीती है। इसके अलावा जहां सहयोगियों ने कांग्रेस पर भरोसा किया वहां उन सहयोगियों की ही नैया डूब गई। कई राज्यों में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन का खामियाजा उसकी सहयोगी पार्टियों को उठाना पड़ा। कांग्रेस ऐसी परजीवी पार्टी है जो अपने सहयोगियों को ही निगल जाती है। साथियों, कांग्रेस एक ऐसा देश बनाना चाहती है जहां लोग अपनी ही विरासत से नफरत करते हो, नफरत करते हो, अपनी राष्ट्रीय संस्थाओं पर शंका करते हो, जिस पर देशवासी गर्व करते हैं कांग्रेस उस हर चीज की छवि को धूमिल करना चाहती है। देश का चुनाव आयोग हो, देश की सेना हो, हमारी पुलिस हो, देश की न्यायपालिका हो, कांग्रेस हर संस्था पर दाग लगाना चाहती है। देशभक्ति से ओतप्रोत होकर वोट दिया, देशभक्तों को बांटने की साजिश को हरियाणा ने फेल कर दिया। साथियों, बीते कुछ समय से भारत के विरुद्ध भांति भांति के षड्यंत्र चल रहे हैं। भारत के लोकतंत्र को, भारत के अर्थतंत्र को, भारत के सामाजिक ताने बाने को कमजोर करने के लिए भांति भांति की साजिशें हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय साजिशें हो रही है। आज मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ मेरे प्यारे देशवासियों से कह रहा हूं कि कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी और उनके चट्टे बट्टे इस खेमे में शामिल है, इस खेल में शामिल है। देशभक्त हरियाणा ने आज ऐसी हर साजिश को भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। भारत और हर भारतीय को संकल्प लेना है कि हम ऐसी किसी साजिश को सफल नहीं होने देंगे। भारत विकास के रास्ते से नहीं भटकेगा।